भक्त आ रहे हैं कि नहीं सब एकदम बहुत भरपूर मात्रा में भक्त आ रहे हैं, पानी भी घट गया। तो है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज दोस्तों फिर से माता तरकुलही देवी के स्थान आया हूँ, जो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप बताइए बाढ़ का पानी कम हुआ कि नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पूरा यहाँ तक पानी था, लेकिन इस समय फिलहाल पानी एकदम पूरा अच्छी तरह से घट गया है और यहाँ पर दर्शन भी करने आ रहे हैं। चाचा आपका नाम क्या है? रिंकू मद्देसिया। आप दर्शन करने में भक्त आ रहे हैं कि नहीं सब? एकदम बहुत भरपूर मात्रा में भक्त आ रहे हैं, पानी भी घट गया है पूरा। कितना दिन हुआ पानी घटे हुए? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया, तो इस समय तो एकदम पूरा सब भक्त आते होंगे। एकदम पूरा विश्वकर्मा पूजा है, इसलिए थोड़ा सा भक्त कम आज नहीं आया। और ये बताइए, जैसे कि बाढ़ आया था तो आप लोग को तो दुकान में नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ? बाढ़ आया था, बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सामान भीग गया, बहुत खराब भी हो गया। खराब भी हो गया, कितना फेंकना पड़ा है। और ये बताइए, 21 तारीख को पितरपक्ष चढ़ने वाला है क्या? 21 तारीख को पितरपक्ष चढ़ने वाला है, उसमें भक्त बहुत कम आते हैं। कम आते हैं सर। और ये बताइए, जैसे कि दुकान का बीमा भी होता है, वो आप लोग नहीं कराते हैं क्या? दुकान का इस बुनियादी नहीं ना, इसमें बीमा नहीं होगा। नहीं होता? नहीं। तो जैसे कि दोस्तों देखिए, एकदम यहाँ पे सब एकदम पूरा पानी लग गया था और इस समय फिलहाल एकदम पानी घट गया है। और देखिए, ये भी चाचा कुछ कहने वाले हैं। क्या चाचा, क्या हुआ? क्या हुआ, पानी लगा था, एक हफ्ता हुआ, घटा घटे हुए। हाँ, सब तो अब भक्त आते होंगे। हाँ, आ रहे हैं, लेकिन इस समय इसके बाद जो है 21 तारीख को ये पितरपक्ष लग जाएगा, इसमें और थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा, हाँ, श्रद्धालुओं से। और उसके बाद नवरात्र भी आ जाएगा। हाँ, नवरात्र आएगा, तो नवरात्र 9 दिन के लिए जो है बलिदान नहीं होता है, लेकिन जो है दर्शनार्थी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि नवरात्र में जो है यहाँ की मंदिर जो है ज़्यादातर लोग मनाते हैं, क्योंकि जागता मंदिर है, बहुत अनाथ काल से मतलब ये मंदिर चलती चली आ रही है, इसलिए नवरात्र में लोग आते हैं, लेकिन ये जो बलि का काम होता है वो थोड़ा रुक जाता है, बंद हो जाता है, इसलिए खाने पीने वाला जो कम आते हैं, लेकिन दर्शनार्थी ज़्यादा आते हैं नवरात्र में। जी, तो जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे एकदम सब भक्त आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी लग गया था और इसमें फिलहाल पानी घट गया है। समय लगेगा। जो देखिए यहाँ पे अगरबत्ती उगरबत्ती जलाया जा रहा है और अभी पानी है मंदिर के बाहर, पानी है अभी और बाढ़ बहुत तेज घट रहा है। जो देखिए यहाँ पे और पहले नारियल फोड़ने का व्यवस्था यहाँ किया गया था आगे इधर, लेकिन इस समय इधर हो गया है। जो देखिए यहाँ पे नारियल तोड़ा जा रहा है तो चलिए दोस्तों मंदिर में चलते हैं। देखिए माता जी रही जो सब दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और इस मंदिर में हमेशा सफाई किया जाता है। जो देखिए आप सफाई कर रहे हैं और देखिए सब बंदर बैठे हैं यहाँ पे। जो देखिए सब भक्त दर्शन कर रहे हैं और ये सब दिखाई दे रहा है बाढ़ के पानी से एकदम सब भर गया था, लेकिन इस समय देखिए पानी नहीं है और आप लोग आ सकते हैं दर्शन करने यहाँ पे। जो ये सब दुकान दिखाई दे रहा है, ये सब पानी से डूब गया था और देखिए सब दर्शन करके जा रहे हैं सब भक्त। चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं और देखिए इधर नारियल सब फोड़ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक नल है जो अपने आप ही पानी निकल रहा है और बहुत आश्चर्य की बात है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं वो नल। जो देखिए ये रहा, अपने आप ही निकल रहा है यहाँ पे, ना कोई चला रहा है। देखिए और देखिए मेला भी एकदम पूरा लगा है, जो सब आए हैं मेला करने और सब दुकान खुल गया है यहाँ पे, क्योंकि बाढ़ का पानी कम हो गया है। और दोस्तों ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब रोड पहले डूब गया था पानी से
लेकिन इस समय देखिए एकदम पूरा पानी घट गया है, जो आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। और इधर चारों तरफ पानी था, जो देखिए सब रोड पर का दुकान खुल गया है और सब भक्त दर्शन करने सब आ रहे हैं यहाँ पर माता जी का। और पहले बाढ़ की वजह से ये सब दुकान खुले नहीं रहते थे, लेकिन इस समय खुल रहे हैं सब। और आप लोग भी आके दर्शन कर सकते हैं।